गुड मॉर्निंग बच्चों। सबसे पहले आपको सूचना कि अभी की आपका कॉलेज ओपन नहीं हो रहा है, ठीक है ना। ओनली अभी आदेश क्या आए हैं कि जो लास्ट ईयर है किसी भी कॉलेज में, ठीक है, चाहे वो बीएससी थर्ड ईयर है, चाहे वो अपने इंटीग्रेटेड में है तो अपनी फोर्थ ईयर होगी आपकी, ठीक है, और बीएड है तो सेकंड ईयर, ठीक है, कोई भी लास्ट ईयर ही है अभी तक, ठीक है। तो उसी के आदेश में तो अभी आपका कॉलेज ओपन नहीं हो रहा है, ठीक है। जैसे ही ओपन होने की कुछ सूचना आएगी तो आपको ग्रुप में डाल दी जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद अपन बात करते हैं अपने टॉपिक पर। तो अपने जो लास्ट वीडियो है उनमें अपन ने स्टार्ट किया हुआ है टॉपिक कि जो अल्फा सॉरी बेटा, जो अल्फा एमिनो एसिड्स हैं उनके प्रिपरेशन के मेथड पर अपन ने डिस्कस स्टार्ट कर रखा है। तो लास्ट वीडियो में अपने कुछ मेथड्स पर अपने पढ़ा भी है, पर आज अपन नेक्स्ट मेथड पर बात करते हैं। तो नेक्स्ट मेथड है कूप सिंथेसिस। तो कूप सिंथेसिस में क्या होता है कि जो अल्फा कीटोनिक एसिड्स हैं उनका क्या है कि अमोनिया के साथ रिडक्शन कराते हैं, और ये जो रिडक्शन है वो रिडक्शन क्या होता है कि किसकी प्रेजेंस में, कि किसी कैटलाइस्ट की प्रेजेंस में होता है। कैटलाइस्ट लाइक यहाँ पर आप पैलेडियम ले सकते हैं, ठीक है, या आप क्या ले सकते हैं, सोडियम व एथेनॉल, ठीक है, सोडियम और एथेनॉल जो क्या है कि रिडक्टेंट के रूप में यहाँ पर आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इनकी प्रेजेंस में क्या है कि इनका रिडक्शन कराएंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, अल्फा एमिनो एसिड प्राप्त होगा। और जो रिएक्शन है वो क्या है कि उसकी पॉसिबिलिटी क्या है कि रिएक्शन में जो पॉसिबिलिटी वो क्या है कि एमिनो एसिड्स के मीडियम में होती है, ठीक है ना, एमिनो एसिड के माध्यम में ही अभिक्रिया संपन्न होती है, ठीक है। तो ये क्या है, कूप सिंथेसिस है। तो इसमें अपन ने क्या बात की है, अल्फा कीटोनिक एसिड, अल्फा कीटोनिक एसिड्स का अमोनिया के साथ रिडक्शन अपचयन, के साथ रिडक्शन कराने पर अल्फा एमिनो एसिड बनता है, सॉरी प्राप्त होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या बात है, रिडक्शन का प्रोसेस कैटलाइस्ट किसी कैटलाइस्ट उत्प्रेरक, ठीक है, कैटलाइस्ट की प्रेजेंस प्रेजेंस में होता है, ठीक है। लाइक रिडक्टेंट कौन से, यहाँ पर सोडियम प्लस एथेनॉल, या आप क्या ले सकते हैं, प्लेडियम कैटलाइस्ट आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, अल्फा कीटोनिक एसिड, तो ये तो हो गया कीटोन, और अल्फा एसिड है तो यहाँ पर COOH, ये क्या हो जाएगा, अल्फा कीटोनिक एसिड। अल्फा कीटोनिक एसिड प्लस अमोनिया, अमोनिया के साथ इसका क्या कराएंगे, अपचयन कराएंगे, ठीक है, और अपचयन किसकी प्रेजेंस में होगा, प्लेडियम कैटलाइस्ट अपन यहाँ पर ले लिया, या अपन ये ले सकते हैं, ठीक है ना, सोडियम और एल्कोहल का मिक्सचर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या फॉर्म होगा, एक इंटरमीडिएट फॉर्म होगा जो अनस्टेबल है, आर सी डबल बॉन्ड NH और COOH, ठीक है। इसमें क्या होगा, अब इसका आगे अपचयन होगा तो ये क्या फॉर्म करेगा, यहाँ पर
आपको अल्फा एमिनो एसिड यहाँ पर फॉर्म होगा, आर सी एच एन एच टू और सी ओ ओ एच, क्या फॉर्म हो जाएगा? अल्फा एमिनो एसिड यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट मेथड आता है, अर्नेल मेयर एज लैक्टोन सिंथेसिस। अर्नेल मेयर एज लैक्टोन संश्लेषण द्वारा बाई अर्लिन मेयर एज लैक्टोन सिंथेसिस। ठीक है, तो इस सिंथेसिस में क्या होता है कि नॉर्मली क्या है कि जो हिपुरिक एसिड है, हिपुरिक एसिड किसे बोलते हैं अपने? बेंजोइल ग्लाइसिन को, ठीक है। कि क्या है कि एरोमेटिक एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो एज इलेक्ट्रॉन बनते हैं, ठीक है। अब ये जो एज इलेक्ट्रॉन जो फॉर्म होते हैं, तो एज इलेक्ट्रॉन को क्या है कि 1% सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हीट किया जाता है, तो इसकी चेन क्या हो जाती है? ओपन हो जाती है, ठीक है। और चेन ओपन होती है यदि इस प्रोडक्ट को क्या है कि सोडियम अमलगम यानी कि सोडियम और पारे का मिक्सचर के साथ क्या करते हैं, रिडक्शन करवाते हैं, करवाकर फिर क्या है कि अम्ल के साथ इसका क्या कराते हैं, हाइड्रोलाइसिस कराते हैं, तो क्या प्राप्त होगा आपको? अल्फा एमिनो एसिड यहां पर प्राप्त होगा, ठीक है। तो इसका प्रोसेस ये होगा, क्या बात की अपन ने, हिपुरिक अम्ल या बेंजोइल ग्लाइसिन हिपोरिक एसिड और बेंजोइल बेंजोल ग्लाइसिन ग्लाइसिन की एरोमेटिक एल्डिहाइड एरोमेटिक एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कराने पर एज इलेक्ट्रॉन एज इलेक्ट्रॉन बनते हैं, ठीक है।
अब एज इलेक्ट्रॉन का क्या करेंगे, पहले एज इलेक्ट्रॉन फॉर्म कर दें। चलो पहले एज इलेक्ट्रॉन फॉर्म कर देते हैं, ठीक है। तो एज इलेक्ट्रॉन किसे अपने बोला है कि एरोमेटिक एल्डिहाइड, तो बेंजल्डिहाइड ले लेते हैं, ठीक है। बेंजल्डिहाइड, इसकी रिएक्शन आप किसके साथ कराएंगे? हिपुरिक एसिड या बेंजोइल ग्लाइसिन। तो बेंजोइल ग्लाइसिन क्या होता है, CH2COOH और NHCO C6H5, ठीक है। ये क्या है, हिपुरिक एसिड, या अपन क्या बोलते हैं इसको, बेंजोइल ग्लाइसिन, ठीक है। इसके साथ इसकी रिएक्शन कराएंगे, तो रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होगी, एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड CO का होल ट्वाइज O, या अपने क्या बोले सोडियम एसीटेट, इनकी प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी। तो यहाँ पर क्या होगा, एज इलेक्ट्रॉन का फॉर्मेशन होगा। एज इलेक्ट्रॉन क्या होता है, C6H5 CH डबल बॉन्ड C CO O N डबल बॉन्ड C और C6H5, ठीक है। ये क्या हो गया, एज इलेक्ट्रॉन, एज इलेक्ट्रॉन आपको प्राप्त हो गया, ठीक है। अब क्या करते हैं कि एज इलेक्ट्रॉन को 1% सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हीट करने पर रिंग ओपन हो जाती है, खुल जाती है, वले खुल जाती है, रिंग ओपन हो जाती है, तथा इस प्रोडक्ट को, यानी कि जो चेन ओपन होने के बाद जो प्राप्त होगा, इस प्रोडक्ट को सोडियम अमलगम, के साथ रिड्यूज 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 कराकर, अपचयित कराकर, फिर एसिड के साथ, हाइड्रोलाइसिस कराया जाए, जल अपघटन, हाइड्रोलाइसिस कराया जाता है, तो अल्फा एमिनो एसिड बनते हैं, ठीक है। ये इसका फॉर्मेशन हो जाएगा, किस तरह से होगा, तो यहां पर रिएक्शन क्या हो जाएगी, तो पहले क्या लेंगे, एज इलेक्ट्रॉन। तो एज इलेक्ट्रॉन क्या है, CH डबल बॉन्ड CCO O C C6H5 N और डबल बॉन्ड ये C, ये क्या है, एज इलेक्ट्रॉन, ठीक है।
इस एज इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं कि 1% सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ठीक है, के साथ क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो इसकी क्या हो जाती है, रिंग ओपन हो जाएगी, C6H5 CH डबल बॉन्ड C COOH, ठीक है, और इस कार्बन से अटैच क्या रहेगा, NHCO C6H5, ठीक है। अब ये जो आपको प्राप्त हुआ है प्रोडक्ट ओपन चेन, तो इसका क्या है कि सोडियम अमलगम के साथ अप चेन करें, रिडक्शन करेंगे, ठीक है ना। रिडक्शन होगा, तो रिडक्शन होने पर आपको क्या प्राप्त होगा, C6H5CH2CH COOH NHCO C6H5। अब ये जो प्राप्त हुआ है इसका क्या करेंगे, एसिड के साथ हाइड्रोलाइसिस करेंगे, यानी कि एसिडिक हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो आपको क्या है, फेनिल एनालिन एलानिन प्राप्त होगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, C6H5 CH2 CH NH2 और COOH प्लस क्या फॉर्म होगा, बेंजोइक एसिड, C6H5 COOH बाई प्रोडक्ट यहाँ पर फॉर्म होगा। ये क्या हो गया यहाँ पर, फेनिल, सॉरी, फेनिल एलानिन, फेनिल एनालिन एलानिन, सॉरी, ठीक है, आपको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या है कि इस मेथड से आप क्या कर सकते हैं, अल्फा एमिनो एसिड का आप एरोमेटिक अल्फा एमिनो एसिड यहाँ पर फॉर्म करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट मेथड आता है एरोमेटिक एल्डिहाइडों का हाइड्रेंटोइन के साथ कंडेंसेशन, ठीक है, तो उस पर अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है, थैंक यू।